DITV के चैनल पर आप लोग इतने सारे वीडियोस देखते हैं, इतने सारे एपिसोड्स आपने देखे हैं DITV के चैनल पर, जहां पर आपने उन लोगों को सुना है जो कि इंडस्ट्री में फील्ड में काम कर रहे हैं, आपने कभी भी DITV के चैनल पर उन लोगों को नहीं सुना जो कि सीख रहे हैं, अभी स्टूडेंट हैं, इंश्योरेंस को सीख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो सीख रहा है इंश्योरेंस के बारे में, जो अभी फील्ड में नहीं आया है, जस्ट अपनी पढ़ाई ही कर रहा है, तो उनके विचार क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उनका विजन क्या है, वो क्या सीख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। तो ये सब चीज़ें जब हम सुनते हैं, जब हम देखते हैं, जब तक हमने नहीं सुनी थी कि एक व्यक्ति जो इंश्योरेंस को सीख रहा है, अभी तक फील्ड में भी नहीं आया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना है, उसका विजन इतना बड़ा है, तो ये चीज़ हमको बताती है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री आने वाले दिनों में कितनी बड़ी होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो कितने समझदार हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। तो नो डाउट के जैसा कि आज कह रहे हैं कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अराउंड 4.7-4.5% ही है, तो यही लोग हैं जो इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। चलिए, या जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार पाठक है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, यहाँ पे इंश्योरेंस में कर रहा हूँ। तो इंश्योरेंस में क्यों आए आप? इंश्योरेंस क्या, आपने क्या पढ़ाई की है इसके पहले, ग्रेजुएशन किया? हाँ जी, इसमें मैंने बीकॉम फाइनेंस में किया है। बीकॉम फाइनेंस में किया, तो इंश्योरेंस सब्जेक्ट ही क्यों चुना आपने? इंश्योरेंस इसलिए क्योंकि ये बहुत नीच मार्केट है और हर साल 10-12% इसका इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है, तो ये इंडस्ट्री आगे और ग्रो होगी। ये आपने सेल्फ एनालाइज किया, ये आपको किसी ने बताया, किसी ने समझाया, या आपके फैमिली में कोई इंश्योरेंस का काम करता है तो आपने इसको स्टडी किया और आप यहाँ पे आए? नहीं नहीं, इंश्योरेंस में फिलहाल फैमिली से कोई नहीं है, ये मैंने पढ़ा है, तो मैंने ये चूज किया। ओके, तो अभी कितना समय हो गया आपको यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और 1.5 months हुए। अच्छा, 1.5 महीना हुआ आपको। तो 1.5 महीने में आपने कोई ऐसा चीज़ को समझा होगा, कोई आपने ऐसी चीज़ को सीखा होगा जो आपको लगता है कि ये मेरे काम की चीज़ है, मेरे को आगे करियर में बहुत काम आएगी? जी, इंश्योरेंस तो भी हमने स्टार्ट ही किया है सीखना, इसमें तो बहुत बड़ा मार्केट है, अभी सीखना इसमें बहुत बचा है। मैंने ये सीखा है कि इंश्योरेंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। जैसे मैं एक अंडरराइटर, एक हमारा वो होता है जिसमें जॉब आती है अंडरराइटिंग, तो उसमें अंडरराइटर एक वो करता है डिसाइड कि आप प्रीमियम कितना होगा, तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि कैसे वो डिसाइड होता है, ये होता है। तो आप अंडरराइटर बनना चाहते हैं? जी हाँ, अंडरराइटर बनना चाहते हैं। चलिए, और वही चीज़ आपके, अच्छा ये अंडरराइटर बनना, ये आपने कैसे डिसाइड किया? वो जब अंडरराइटिंग सब्जेक्ट आया तब डिसाइड किया या पहले से डिसाइड था? नहीं, ये मैंने थोड़ा पढ़ा इसके बारे में। अच्छा। अभी सब्जेक्ट तो फिलहाल प्रॉपर अभी आया नहीं है इसका, आई थिंक ये सेकंड ट्राइमेस्टर में है। सो क्या आपका विजन क्या है, मतलब आपका कितने, 2 साल की पढ़ाई है? जी, दो साल की। तो उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, किस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हो, किस यू नो इंश्योरेंस में, अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट में ही जाना चाहते हो, कुछ और दिमाग में है कि ये कंपनी के साथ करूंगा, इंडिया में करूंगा, बाहर करूंगा, क्या दिमाग में आपके? अंडरराइटिंग में ही, इंडिया में ही करना है, अंडरराइटिंग सेक्टर में ही जाना है। कंपनीज तो जैसे बहुत सारी हैं, मार्श है, गो डिजिट्स हैं, लॉट्स ऑफ कंपनी, तो कोई भी कंपनी चल सकती है। मजा आ रहा है आपको बीमटेक में पढ़ने के? बिल्कुल। कैसे हैं प्रोफेसर, कौन आपके फेवरेट प्रोफेसर हैं? हमारे दो पांडे सर हैं सर। अच्छा जी, ये बहुत सही है, यहाँ के प्रोफेसर। क्यों पांडे सर? पांडे सर ही की सही है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत वो लेते हैं, जैसे बुकिश नॉलेज जो होती है वो तो है ही है, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम भी होती है, उस पर भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये आ रही है। चलो भैया, पांडे सर सामने खड़े इसीलिए तो नहीं उनका नाम नहीं नहीं। मानित, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में। सर, मेरा नाम मानित कक्कड़ है, मैं गुजरात राजकोट से हूँ, एंड मेरा 20 साल का ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ 2023 में। सो मुंबई से किया था मैंने ग्रेजुएशन, सो आफ्टर मतलब ग्रेजुएशन कम्प्लीट होकर सीधा PG में बीमटेक का कन्वर्टेड, एंड या दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। सो गुजराती जो है वो सब इंश्योरेंस और शेयर मार्केट में काम करते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, गुजराती बहुत सारे उसमें काम करते हैं, जैसे कि इफ़ यू गो इन सूरत, सो डायमंड मार्केट इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन सूरत, तो सूरत में डायमंड मार्केट चलता है। हमारे राजकोट में भी इंश्योरेंस का बहुत है, मतलब एजेंट्स है, एजेंसीज है, तो मतलब मिक्स है, मतलब
बिजनेस है बहुत सारे। तो क्या उसी को देखकर आप आए, क्या किस चीज ने मोटिवेट किया? मोटिवेट मैंने को दो चीज ने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2020 लग ग्रेजुएशन चल रहा था, तब मैंने इंश्योरेंस में थोड़ा बहुत सीखा है, मोटर इंश्योरेंस में मैंने काम किया थोड़ा बहुत, सिर्फ 3 महीने के लिए किया है। सो वहाँ से मुझे आइडिया है कि व्हाट इज इंश्योरेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। पेनिट्रेशन भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है इन 2000, आप देखें तो इन 2000 2.7% पेनिट्रेशन था इंश्योरेंस का, ऑल ओवर इंश्योरेंस, मतलब लाइफ नॉन लाइफ एवरीथिंग। अभी 2023 में इट इज़ 4.7%। सो डे बाय डे ईयर ऑन ईयर इज इंक्रीजिंग इंश्योरेंस का। एंड अनदर थिंग इज माई फादर ऑल्सो वर्क्स इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इज इन गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। सो ही ऑल्सो इंसिस्टेड मी, मोटिवेट किया उन्होंने कि यार आप जाओ इसमें, बहुत अच्छा फ्यूचर है। सो दिस इज टू रीजंस आई कैन नॉट इट। सो अभी पिछले 1.5-2 महीने से आप बीमटेक के साथ में हो, आपकी पढ़ाई चल रही है, कोई ऐसा आपको एक्सपीरियंस मिला हो पढ़ते पढ़ते कुछ सीखी हो, क्योंकि एकदम दिमाग में घुस गई हो, अरे यार ये चीज़ तो ज़बरदस्त है जो मेरे को आगे चल के करियर में काम आएगी? सो सर इंश्योरेंस में क्या है कि आपने जैसे बोला कि 12th पास आउट की भी वो एजेंसी होती है और करते हैं, बट द मुझे मेरा ऐसा मानना है कि नॉलेज पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि बहुत सारे इंश्योरेंस हमको पढ़ाया जाएगा कि जब मरीन री इंश्योरेंस जनरल लाइफ नॉन लाइफ, तो पर्टिकुलर नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है सर ने कहा। सो ये है कि इंश्योरेंस का मुझे आइडिया है कि बहुत ही ध्यान से मन लगा के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत टेक्निकलिटीज़ में आता है, अंडर राइटिंग जाता है, वो भी टेक्निकल होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वी हैव क्लब्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स इन बीमटेक। सो इनकी जो प्रोसीजर थी फॉर 15 days ऑफ अगस्त मंथ, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस ऑफ हाउ टू गिव द इंटरव्यू, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, सामने 15 लोग बैठा है एंड दे आर लाइक क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रहा है, ग्रिल कर रहे हैं। सो एक नया एक्सपीरियंस था, सीखने को मिला कि आगे फ्यूचर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसा ही होने वाला है कि PPT बनाओ, प्रेजेंट करो, ग्रिलिंग होती है। सो ये तो पूरा मतलब सीखने को मिला ऐसा कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ टू हैंडल द पर्सन, हाउ टू हैंडल आवर क्वेश्चंस और आंसर्स, वो मेजरली सीखने को मिला यहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभी आपका क्या विजन है, मीन्स आपकी पढ़ाई हो जाएगी तो आप एग्जैक्टली किस फील्ड में जाना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? सो मैंने 2-3 फील्ड ऐसे सोचे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग एंड क्लेम भी सोचा था, क्लेम डिपार्टमेंट और IT भी फ्यूचर में अच्छा है, बट मुझे पहले इंटर्नशिप जो मिलेगी यहाँ से, और आगे भी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वी आर लाइक गेटिंग इनटू द इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स पढ़ाए जा रहे हैं हमको भी, और आगे भी बहुत सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आफ्टर माय इंटर्नशिप मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं पर्टिकुलर मैं डोमेन चूज करूँगा आफ्टर मैं इंटर्नशिप मिलेगी, डिसाइडेड नहीं अभी पर्टिकुलर भी मार्केटिंग और मेरा क्लेम दिमाग में है, बट आफ्टर डूइंग इंटर्नशिप मुझे वाइड एरिया मिलेगा कि कौन से डोमेन में जाना चाहूँगा। सो अभी थोड़ा मैं डाइसियर है। आपने इसके पहले जो पढ़ाई की है वो इंस्टीट्यूट में जो माहौल था और ये यहाँ पर जो माहौल है उसमें क्या फ़र्क देखते हैं हम? सर इट इज़ टोटली डिफरेंट, बिकॉज इन मुंबई मिठीबाई में मैं था 3 साल तक, वहाँ के जो कल्चर है वहाँ पे अलग है, वहाँ पे लाइक इट इज़ बैचलर्स तो थोड़ा बहुत वो वाला होता है, MBA जो प्रोफेशनल कोर्स तो यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होता है, यहाँ के जो इंटरव्यू प्रोसेस है वहाँ के थे वो अलग थे, वहाँ पे सिर्फ एक ही होता था, यहाँ पे 3-4 होते हैं और फिर पर्टिकुलरली हमको मतलब सिंगल अटायर में होना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी डिफरेंट, मुंबई इज डिफरेंट, बीमटेक जो डिफरेंट, सो दोनों का वो अलग है, स्टाइल अलग है, मज़े भी अलग है और सीखना भी अलग अलग एक्सपीरियंस सीखने को भी अच्छा मिलता है। इट इज़ द लाइक मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मनित अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। यस नैना, थोड़ी सी अपने बारे में जानकारी है। मेरा पूरा नाम नैना बर्ग है और मैं शामली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, बट करेंटली मैं मतलब MP में हम लोग शिफ्ट किए थे अभी मई में। ग्रेजुएशन मैंने BCOM में किया है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो क्यों इंश्योरेंस फील्ड में ही क्यों आई आप, इंश्योरेंस की स्पेशलाइज्ड एजुकेशन लेना ही क्यों सोचा आपने? अर्लियर मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल थी इंश्योरेंस को लेके, क्योंकि इंश्योरेंस जब हम टर्म सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि घर घर जाके पॉलिसी सेल करनी है एजेंट की तरह, उस वजह से थोड़ा स्केप्टिकल थी। बट फिर सीनियर्स वगैरह से बात करी, थोड़ा रिसर्च किया तो काफ़ी कुछ पता चला। एक तो इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है और नए नए तरीके की इंश्योरेंस कंपनीज जो है इंश्योरेंस ला रही है, जैसे साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस एक इंट्रोड्यूस किया है, प्लस इसमें बहुत स्टेबिलिटी है क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर जो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉलिसी वो एंड भी हो जाती है फिर से लोग इंश्योरेंस लेते ही लेते हैं, तो ये एक चीज़ है। प्लस वेरियस रोल्स हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, क्लेम रीसेटलिंग, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों पर आपका स्टडी कब होना चालू हुआ? आप तो
बीकॉम में पढ़ाई कर रही थी, तो किसने आपके दिमाग में डाला? खुद ही अपने दिमाग में आ गया या आपका माहौल था अगल बगल में और फिर सोचा कि नहीं मेरे को इंश्योरेंस में थोड़ा स्टडी करना चाहिए? इंश्योरेंस एक सब पार्ट है फाइनेंस का, तो ये सब्जेक्ट मैंने अपने बैचलर्स में थोड़ा सा पढ़ा था, तो बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए वो थी। उसके बाद जब सीनियर से थोड़ा बात करी, पता किया, तो थोड़ा सा रिसर्च उस टाइम पे भी किया। किसी ने आपको कन्विंस किया कि ये थोड़ा सा ये बिमटेक इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करा? ऐसा कुछ नहीं है, बिमटेक मेरा कन्वर्ट था तो इसीलिए, और यहाँ पे मुझे इंश्योरेंस मिल रहा था तो थोड़ा इसलिए पता किया था। तो आपने अभी 1.5-2 महीने हो गए हैं आपको यहाँ पे आके, कोई चीज़ ऐसी सीखी है जो आपको लगता है कि ये चीज़ तो बहुत काम की है, मेरे को आपको समझ में आई ये, इससे मैं यू नो जब मैं करियर अपना शुरू करूँगी तो ये सब चीज़ें मुझे काम आएगी? अभी तो बहुत कुछ सीखना है, लेकिन 1.5-2 महीने में आपने कुछ सीखा हो ऐसा कुछ डिस्कस कर सकती हैं? हाँ जी, जैसे अभी सब्जेक्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो वो और डीप नॉलेज मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग रिसर्च पेपर अभी लिखना स्टार्ट करेंगे, तो उससे उसमें जब रिसर्च करेंगे तो वो बहुत हेल्प करेगा हमें आगे अपने जॉब वगैरह में। कंपनीज के बारे में पता चल रहा है डिफरेंट कि कौन कौन से कंपनीज में जॉब रोल्स होते हैं इससे रिलेटेड, तो ये। और उसके बाद जैसे मेरे फ्रेंड ने मेंशन किया एल्यूमिनाई और ये सब डिफरेंट कॉन्डवेट्स एंड क्लब्स हैं, उनके इंटरव्यूज भी हेल्प कर रहे हैं हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे डील करना। तो आपने जो पहले इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है इसके पहले और ये इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करें, क्या फ़र्क दिखता है आपको दोनों इंस्टीट्यूट में? बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंट डाइवर्सिटी से लोग आए, अलग अलग डील कर रहे हैं, और कुछ जैसे फ्रेशर्स है, कुछ एक्सपीरियंसड है, तो फ्रेशर्स को एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट से बात करने का मौका मिलता है, उनसे लर्निंग्स मिलती है। प्रीवियस कॉलेज में ऐसा नहीं था। ऐसा इंटरव्यू दिया पहले कभी आपने? नहीं दिया, ये भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नैना, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। यस अर्पिता, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो हमें। जी, मेरा नाम अर्पिता हाजरा है, मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से हूँ और मैं अभी बिमटेक में PGDM IBM पढ़ रही हूँ। तो कैसे आपके दिमाग में आया मुझे बिमटेक में जाना है, वहाँ पे इंश्योरेंस की पढ़ाई करनी है, इंश्योरेंस की पढ़ाई करनी है, ये दिमाग में कैसे आया? सर, मेरा दो चीज़ था, एक मैं इंश्योरेंस बैकग्राउंड में आना चाहती थी क्योंकि मुझे सामने वाला इंसान का मदद करना था, जो भी दुर्घटना होता है, दुर्घटना वो थोड़ा भी इंश्योरेंस स्टूडेंट या इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा भी मदद कर सकता है। और मेरे पापा खुद भी एक बैंकिंग सेक्टर में है, मैंने देखा है उन्हें सामने वाले इंसान को हेल्प करना, कैसे वो हेल्प करते हैं बैंकिंग सेक्टर में रह के, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया एंड ही इंस्पायर्ड मी टू गेट इनटू दिस इंश्योरेंस सेक्टर, ताकि जितना भी हो सके आप अपने दम पे आप खुद आगे जाके आप मदद कर सकते हो उस इंसान के। तो दिस इंस्पायर्ड मी टू गो टू। एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है अर्पिता, देखो कि आपके पिताजी ने आपको मोटिवेट किया यहाँ पे आने के लिए, लेकिन मुझे हेल्प करनी है लोगों की, ये इतनी जल्दी आपके दिमाग में कैसे आ गया? अभी तो लोगों के दिमाग में आता है कि मुझे खुद को ही कुछ, मेरी कोई हेल्प कर दे, ये आता है, लेकिन लोगों की हेल्प करनी, ये आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली पहले तो हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि इंश्योरेंस फाइनेंशियल हेल्प करते हैं सामने। कहाँ पे पढ़ाया जा रहा है? यहाँ पे? हाँ, यहाँ तो नहीं, मैं यहाँ से आने की पहले की बात कर रहा हूँ। पहले मैं ऑलरेडी मेरे पिताजी को देखे, आई हैव सीन माय फादर कि कोविड के टाइम पे उन्हें जो बैंकिंग सेक्टर में था, बैंक बंद नहीं था, कोविड के टाइम में भी सुबह से रात तक बैंकिंग सेक्टर में पापा काम करते थे और लोग जाते थे, बैंक कभी बंद नहीं हुआ, सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, ये बहुत लोगों को आता नहीं है कैसे ओपन करना है, कैसे काम करते हैं। और मैं आसनसोल से हूँ, मेरे पापा का बैंक आसनसोल है, बहुत स्मॉल टाउन है, तो वहाँ पर बहुत लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है बैंक में कैसे काम करता है, कैसे ये अकाउंट खोलते हैं। तो मैंने पापा को देखे हैं कि पूरा कोविड के टाइम में सब कुछ जब बंद था, ये बैंकिंग सेक्टर, ये हॉस्पिटल्स और ये डॉक्टर, ये सब काम कर रहे थे और वो उनका काम यही था कि सामने वाले इंसान को मदद करना, हेल्प करना जितना भी हो सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभी कितने 1.5-2 महीने हो गए आपको यहाँ पे, तो मुझे बताओ ये 1.5-2 महीने में आपने क्या चीज़ ऐसी सीखी है जो आपको लगता है, जो आपके दिमाग में क्लिक हो गई, ये जो चीज़ है मेरे को मेरे करियर में काम आने वाली है,
डेढ़ दो महीने में जो भी सीखा है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, वो क्या चीज़ है? सर, सिर्फ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत आगे हम लोग और भी बहुत पढ़ेंगे और बहुत एक्सपोजर हमें अभी भी लेना है, लेकिन मैं ऑल टुगेदर डिमटेक का एक्सपोजर बताना चाहती हूँ। जैसे मेरे सब फ्रेंड्स लोग बोल रहे क्लब्स एंड कॉन्ट्यूट्स का जो हमारा एक्सपीरियंस था, हमारा इंटरव्यूज़ देना, हमारा जो टाइम मैनेजमेंट सिखाया गया है, ये आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे। हम लोगों का प्रोफेसर्स हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए, रिसर्च पेपर लिखने के लिए। हमारा बिमटेक का एक बुक है, स्टूडेंट जर्नल आर्टिकल बुक है, जहाँ पर हम लोग अगर रिसर्च पेपर लिखते हैं वो पब्लिश होता है। ये एक बहुत बड़ा स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है। फिर जर्नल राइटिंग, फिर ये जो स्टेज है, ये बिमटेक का जो प्लेटफॉर्म है, ये खुद एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, जो सिर्फ इंश्योरेंस बैकग्राउंड में नहीं, हमारा जो पूरा एक एक्सपोजर मिल रहा है, ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है। तो मुझे लगता है यही एक्सपोजर मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत आगे मुझे लेके जाएगा, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपको क्या लगता है, अभी आपकी जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी 2 साल के बाद, क्या आपने सोचा है मुझे क्या करना है, किस पर्टिकुलर पोस्ट पे जाना है, ऐसा कुछ दिमाग में है आपको? मुझे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में ही रहना है, और हो सके मैं इंश्योरेंस या बैंकिंग सेक्टर में भी जाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस डोमेन में मैं जाना चाहती हूँ, बिकॉज ये साइबर सिक्योरिटी आज के दिनों में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसका कोई इंश्योरेंस है नहीं, और उतना ग्रोथ भी है नहीं है। मैं इस डोमेन में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ जितना मुझसे हो सकता है, ताकि ये जो इंटरनेट की दुनिया है ये थोड़ा सेफ हो, और आगे जो इंसान जो काम कर रहा है, ये इंटरनेट दुनिया के बारे में उतना अंदाज़ा नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, उसे थोड़ा सा मदद मिले इंश्योरेंस के तहत। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे विचार हैं आपके अर्पिता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। या अंजलि, अंजलि श्रीवास्तव, अंजलि, यस अंजलि, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हमें। मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। ग्रेजुएशन मैंने मथुरा से किया था, GLA यूनिवर्सिटी, वेयर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वॉज माई स्पेशलाइजेशन। देर आफ्टर आई वर्क इन विप्रो इन द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एंड माई रोल वॉज टू लुक आफ्टर द हेल्थ एंड बेनिफिट्स ऑफ माई क्लाइंट। सो बेसिकली इंश्योरेंस के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, ये सब मुझे विप्रो ने सिखाया। क्या आपका क्या रोल था, हेल्थ और क्या चीज़ आपने बोला, हेल्थ क्या बेनिफिट कस्टमर का देखना है आपने? हेल्थ एंड बेनिफिट्स, बेसिकली उनका इंश्योरेंस टाइम मतलब हर साल रेन्यू होता था, जो उनको ऑर्गेनाइजेशन देती थी, तो वो टाइम से हुआ एनरोलमेंट या अच्छा, नहीं हुआ वो सब चीज़ आप चेक करते हैं। US का क्लाइंट था, उन्हें ये देखना होता था कि मेडिकल डेंटल विजन उनके अलग अलग बेनिफिट्स होते थे। और सबसे बड़ी बात ये रियलाइज़ किया कि US में पीपल आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर इंश्योरेंस बेनिफिट्स, वो अपने $1 भी आगे पीछे होता है तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। उनका इंश्योरेंस की लास्ट डेट आने तक का वो वेट भी नहीं करते हैं, उनके लिए है कि बस अभी शुरुआत अभी होना चाहिए, इट इज़ दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। हैविंग सीन ऑल दिस आई रियलाइज कि इंडिया तो बहुत पीछे है। मैं इंश्योरेंस मैंने पढ़ा था अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, फिर भी मुझे नहीं पता था कि पेट इंश्योरेंस क्या होता है। ये मैंने वहाँ सीखा कि उनके पेट का भी इंश्योरेंस होता है, उनके ब्रेसेस का, दांतों में जो ब्रेसेस लगते हैं उसके भी इंश्योरेंस होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें पता चली, और फिर ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में पेनिट्रेशन एक्चुअली बहुत कम है। इसीलिए आपको ऐसा लगा कि मुझे इस इंश्योरेंस में पढ़ाई करनी है। ओके, अभी आपके 1.5-2 महीने यहाँ पे हो गए हैं जी, तो 1.5-2 महीनों में कोई ऐसी चीज़ आपने पकड़ी है कि ये जो चीज़ है कि ये हमेशा मेरे काम आएगी, मेरे करियर में काम आएगी? हाँ जी बिल्कुल, मैं जब आई तो यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव एक छोटी सी पोजीशन दी जाती है, तो मुझे उसके लिए सेलेक्ट किया। आई वॉज लकी इनफ टू गेट दैट रिकग्निशन एंड पोजिशन। तो मैंने रियलाइज़ किया कि टेबल के इधर दैट इज़ द स्टूडेंट्स और टेबल के उधर दैट इज़ द फैकल्टी, बहुत डिफरेंस है दोनों के पर्सपेक्टिव में, और दोनों को एक साथ एक धागे में बांध के रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट देन ओवर द टाइम आई एम रियलाइजिंग कि एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है. मैनेजमेंट स्किल ही यही है, टू कीप पीपल टुगेदर. तो इन दो महीनों में सबसे बड़ी लर्निंग तो यही थी, बाकी तो दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर्स. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो क्या विजन है आपका, क्या क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं दो साल के बाद? अभी तो सिंस इट इज़ अ वेरी बिगिनिंग, बट हाँ, फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए एज टू हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स. आई वुड फील लकी इनफ टू गेट इन टू क्लेम्स डिसबर्समेंट. आई थिंक वो सबसे बड़ा इशू है अपनी इंडस्ट्री में, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है. लोगों को अभी भी लगता है कि कुछ हो भी गया तो अरे क्या फ़ायदा प्रीमियम देके, टाइम से क्लेम तो कभी मिलना नहीं है. तो मैं चाहती हूँ कि इनिशियल ईयर्स में सीखूँ, फिर अपना कुछ शुरू करूँ और पर्टिकुलरली क्लेम मैनेजमेंट पे ध्यान दूँ. बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक. अंजलि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. यस रितिका. मेरा पूरा नाम रितिका श्रीवास्तव है, मैं दरभंगा बिहार से बिलोंग करती हूँ. मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी जूलॉजी ऑनर्स में वहीं दरभंगा से पूरा किया. तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे इंश्योरेंस की पढ़ाई करनी है और बिमटेक में कैसे आप लैंड हुई? तो इंश्योरेंस के बारे में जब मुझे पता चला, बहुत ही बूमिंग सेक्टर है अभी. कैसे पता चला आपको? मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे अंकल ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी में नॉर्थ हेड है चोलामंडलम इंश्योरेंस में. अच्छा, आपके अंकल. हाँ, तो मुझे उनके थ्रू बेसिकली इंश्योरेंस में भी MBA होता है इसके बारे में पता चला. देन आई केम टू नो अबाउट NIA और बिमटेक. फिर जब मैंने बहुत सारे फैकल्टी से बात करी, फिर एलुमनाई से बात करी मैं, फिर मुझे पता चला कि अभी बाकी सेक्टर से ज़्यादा बेटर इंश्योरेंस है. बिकॉज हर साल ग्रोथ 10-12% इंश्योरेंस में है. एंड एक नीच सेक्टर है, बहुत कम कॉलेजेस हैं जो इंश्योरेंस में MBA कराती हैं. ये हर साल ग्रोथ 10-12% हो रही है, ये या बिमटेक में पता चला या पहले ही मालूम था आपको? फैकल्टीज से पता चला, बिमटेक में एलुमनाई से पता चला, जब मैं रिसर्च कर रही थी कॉलेज आने से पहले तब से. अभी कितना, 1.5-2 महीना हो गया आपको, आप यहाँ पे पढ़ रही हैं? 2 महीने हो गए. ओके, तो ये 2 महीने में आपने ऐसी कौन सी चीज़ सीखी है, पकड़ी है, जो आपको ऐसा लगता है कि ये तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम की चीज़ है? बेसिकली PGDM है तो हमें कंटिन्यूसली इवेल्युएशन हमारा होता है, तो असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट सारे मिलते रहते हैं. तो उसके वजह से टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी आई हैं और लीडरशिप स्किल्स आई हैं. फिर हमारे क्लब कॉन्जिट के इंटरव्यूज़ की वजह से, तो आई थिंक लीडरशिप एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है करियर में, तो वो स्किल्स मिली यहाँ के अभी 2 महीने में. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपने इसके पहले जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है और अब ये इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रही हैं, तो उसमें क्या आपको फ़र्क दिखाई दे रहा है? बिमटेक में सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, को करिकुलर एंड बाकी सारी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस करा जाता है बहुत ज़्यादा, जो मेरे पहले वाले इंस्टीट्यूट में नहीं था, तो वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. अब आपका क्या विजन है, आपको क्या लगता है कि ये पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में मुझे एग्जैक्टली क्या करना है? एग्जैक्टली मुझे टेक्निकल रोल्स में जाना है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट, कैटास्ट्रोफिक मॉडलिंग वगैरह में जाना है, अंडरराइटिंग. तो अभी उस चीज़ को लेकर थोड़ी डाइसी हूँ, क्योंकि अभी और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना बचा है. बट बेसिकली इतना सॉरी कि मुझे टेक्निकल रोल्स देने हैं इंश्योरेंस में. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सुपर्ब. तो रितिका, थैंक यू, आपने अपने बारे में और अपने विचारों के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दी, थैंक यू वेरी मच. सो माय नेम इज़ अमन कुमार, आई एम फ्रॉम पटना बिहार एंड आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ बिमटेक कर्सिंग PGDM इन इंश्योरेंस. तो कैसे आपका दिमाग में कैसे आया कि मुझे इंश्योरेंस की पढ़ाई करनी है? सर, मेरे पापा ऑलरेडी इंश्योरेंस सेक्टर में, इज इन LIC वर्किंग एज अ ब्रांच मैनेजर. तो मैंने उनको देखा था, उनसे इंस्पायर हुआ था, तो इसलिए मुझे इंश्योरेंस के बारे में जानने को मिला कैसे वर्क करते हैं. क्या आपके पापा ने बोला आपको कि नहीं इंश्योरेंस की पढ़ाई करनी है? नहीं, उन्होंने सजेस्ट, अच्छा स्कोप अच्छा है. नहीं, उन्होंने सजेस्ट किया था, बट मैंने खुद ही देखा और चूज़ किया था इस चक्कर को. ओके, तो आपने मतलब, आपके पिताजी LIC में काम करते हैं, तो आपने LIC इंश्योरेंस के बारे में कुछ समझा पहले उनके साथ में, है ऐसे कुछ देखा आपने जो आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ मैंने देखी थी और इसीलिए मेरे को लगा कि नहीं इंश्योरेंस में जाना चाहिए? ऐसा हुआ है, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ. मैं अपने पापा के साथ जा रहा था, कभी कभी रोड कॉम्प्लिकेट होते तो गाड़ी चला नहीं पाते, तो वो मुझे ले जाते थे.
तो मैं एक घर पे गया था, उनका एक बेटा डेथ कर गया था बिकॉज एक ट्रक रोल्ड ओवर हिज बॉडी। अच्छा। तो फिर मैंने देखा कि वो ही एक पूरी फैमिली उन पे ही डिपेंड थी फाइनेंशियली, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने उन्हें पैसा दिया, फाइनेंशियली हेल्प किया। आपकी पेन रिमूव नहीं कर सकते इंश्योरेंस कंपनी, बट आपको एक फाइनेंशियल पोजिशन पर स्टेबल कर सकते। दैट मोटिवेटेड मी टू जॉइन दिस सेक्टर। परफेक्ट। सो अभी कितना, 2 महीना हो गया आपको यहाँ पर? हाँ, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। तो ये 2 महीनों में आपने ऐसी कौन सी चीज़ सीखी है जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत काम की चीज़ है ये? सर, मैंने पहले डिसिप्लिन सीखा। पहले मैं काफ़ी लेटार्जिक पर्सन था, बट यहाँ पे मैंने डिसिप्लिन सीखा हाउ टू मैनेज टाइम एंड ऑल्सो अबाउट द लीडरशिप स्किल्स। यहाँ पे क्लब्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स हैं, तो उसको ज्वाइन करके लीडरशिप स्किल डेवलप होती है, तो वो मैंने सीखा, जो कि मुझे लगता है आगे बहुत हेल्पफुल होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सो आपके पिताजी जो हैं, वो उनका जो काम है वो क्या है? ब्रांच मैनेजर है। yes, तो एक लीडरशिप का उनका काम है। तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना है पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद? सर, एज माई फादर इज़ ब्रांच मैनेजर, तो वो भी मार्केटिंग में, तो मुझे मार्केटिंग भी जाना है बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग जॉब। मैंने देखा है क्लोजिंग टाइम में स्पेशली जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाली रहती है, तो उस टाइम में काफ़ी प्रेशर रहता है। तो बट अपॉर्चुनिटीज इसमें ही ज़्यादा है और सभी के कंपेरिजन में। अगर इसमें अच्छे से आप एक्सेल करते हो तो आपको इंश्योरेंस सेक्टर ही हेल्प करता है ग्रो करने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पहले कहाँ पे पढ़ाई करते थे? इसके पहले आपका ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? पटना से किया। पटना यूनिवर्सिटी से किया। पटना यूनिवर्सिटी से किया। तो आपको कुछ फ़र्क नज़र आता है वहाँ की, वहाँ का जो माहौल था यहाँ का जो माहौल है, या वहाँ की जो पढ़ाई थी यहाँ की जो पढ़ाई में कुछ फ़र्क नज़र आता है? यस, वहाँ पे बेसिकली बीकॉम में अंडरग्रेड में थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ाई होता था एंड यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। परफेक्ट, परफेक्ट। अमन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से जो भी सवाल मैंने पूछे उसके उत्तर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। TITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।